हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे HPSSB जेई इलेक्ट्रिकल पोस्ट कोड 530 का क्वेश्चन पेपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ परमिटिविटी एंड परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस आर गिवन रिस्पेक्टिवली बाय। हमने इसमें मैग्नीट्यूड निकालना है परमिटिविटी एंड परमेबिलिटी का। जो परमिटिविटी का रहता है वो रहता है 8.854 × 10⁻²⁻½ फेराड पर मीटर एंड परमेबिलिटी का रहता है 4π × 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। इसका आंसर निकलेगा बी। अब नेक्स्ट लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। सेकंड क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग, इसका जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है हीट इक्वल्स टू I²RT और कैलोरी में रहता है 4.18, तो इसका आंसर निकलेगा डी। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इफ ETS 9 वोल्ट एंड RTS 9 ओम्स, देन अकॉर्डिंग टू थेवेनिन्स थ्योरम द करंट थ्रू द लोड रेजिस्टेंस RL इज 3 ओम्स। वैसे तो इसको हमने न्यूमेरिकल की वीडियो में सॉल्व करा है, बाकी आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं I=E/, जो इसका RL और RTH प्लस हो जाएगा, यानी RL + RTH। बाकी इसको इस तरह से जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर 0.75 एम्पियर, आंसर ए। नेक्स्ट 4 इज हाउ मैनी सेल ईच हैविंग एन EMF ऑफ 1.5 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.25 ओम्स वुड बी रिक्वायर्ड कनेक्टेड इन सीरीज टू पास ए करंट ऑफ 1.5 एम्पियर थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम्स। इसमें निकालने हैं नंबर ऑफ सेल्स कितने हो गए। तो वैसे इसको सॉल्व कराया हमने न्यूमेरिकल की वीडियो में, तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर निकलेगा वो है बी। बाकी आप न्यूमेरिकल की वीडियो में इसको डिटेल में देख सकते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट भी न्यूमेरिकल है। जितने भी न्यूमेरिकल हैं उनको मैं एक सेपरेट वीडियो में सॉल्व करता हूँ, एक न्यूमेरिकल की वीडियो में। तो ये भी न्यूमेरिकल है, इसका राइट आंसर ही देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन में दिया है अ लॉन्ग स्ट्रेंथ सर्कुलर कॉपर कंडक्टर कैरी अ करंट ऑफ 4 एम्पियर, द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कंडक्टर इज। इसका राइट आंसर निकलेगा डी। नेक्स्ट है 6 इज द RMS वैल्यू ऑफ करंट इज गिवन बाय, करंट की RMS वैल्यू दी जाती है। मान लो हमारे पास एक नॉन रेजिस्टेंस है जिसकी हमारे पास वैल्यू कुछ भी गिवन है, तो अगर हम उसमें एक कांस्टेंट करंट फ्लो करेंगे तो उसमें उतनी ही हीट प्रोड्यूस होगी जितने टाइम तक उसमें करंट फ्लो होगा, तो उसको बोलते हैं हम RMS वैल्यू। तो इसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट में दिया है दैट स्टेडी करंट विच वेन फ्लो थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ नॉन रेजिस्टेंस फॉर अ गिवन टाइम प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट एज प्रोड्यूस बाय द अल्टरनेटिंग करंट व्हेन फ्लो थ्रू अ सेम रेजिस्टेंस द सेम टाइम। इसका आंसर निकलेगा ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 इज डिसएडवांटेज ऑफ लो पावर फैक्टर इन एसी सर्किट। एसी सर्किट में लो पावर फैक्टर की डिसएडवांटेज से क्या होता है, कनेक्टर का साइज सबसे ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा और एफिशिएंसी भी बहुत कम होगी और वोल्टेज ड्रॉप सबसे ज़्यादा होगी। तो इसके अकॉर्डिंग जो इसका राइट आंसर है वो है सी, ग्रेटर कंडक्टर साइज पुअर एफिशिएंसी लार्ज वोल्टेज ड्रॉप एंड लार्ज केवी रेटिंग ऑफ इक्विपमेंट की भी केवी रेटिंग बढ़ानी पड़ेगी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जिसको हमने न्यूमेरिकल के वीडियो में सॉल्व किया है। अ सीरीज रेजोनेंस सर्किट हैज क्यू फैक्टर ऑफ 150 एंड इंडक्टेंस ऑफ 0.1 हेनरी एंड अ कैपेसिटेंस ऑफ 0.1 माइक्रोफेराड द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय। तो इसका जो राइट आंसर निकलेगा वो है बी। नेक्स्ट लेते हैं, ये भी न्यूमेरिकल है। इफ द कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज 0.122 ओम्स एंड द ससेप्टेंस इज 0.0529 ओम्स देन इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट इज, इसमें हमने इम्पिडेंस निकालना है, ससेप्टेंस एंड
कंडक्टेंस हमारे पास गिवन है, तो जो इसका राइट आंसर है वो है ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, करंट इन थ्री लाइन कंडक्टर ऑफ एन अनबैलेंस लोड, आर में ये दिया है, वाई में वैल्यू दी है और बी में वैल्यू दी है, देन न्यूट्रल करंट इज, इसमें न्यूट्रल करंट निकालना। बैलेंस लोड में न्यूट्रल करंट इक्वल टू जीरो रहता है जब आर प्लस वाई प्लस बी को हम प्लस करते हैं तो इक्वल टू जीरो होना चाहिए, उसको हम बैलेंस लोड बोलते हैं। और अनबैलेंस लोड में जब हम इन सभी की वैल्यू को प्लस करते हैं उसके बाद जो गिवन वैल्यू निकलेगी वो इसका राइट आंसर है। फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग जो फाइनल आंसर की निकली उसका है एक्स, और जो उसके बाद प्रोविजनल आंसर की निकली उसका है आंसर बी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज डेली एवरेज लोड ऑन द पावर स्टेशन इज गिवन बाय, किसी भी पावर स्टेशन में जो डेली एवरेज लोड दिया जाता है वो जाता है नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड इन अ डे इन 24 आवर्स, इसका आंसर निकलेगा ए। क्वेश्चन नंबर 12 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू SF6CB यानी सर्किट ब्रेकर, तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट है नॉन पफर टाइप, ये भी सही है, पफर टाइप बिल्कुल सही है, सेल्फ ब्लास्टिंग टाइप भी होता है, और लास्ट है एक्सटर्नल ब्लास्टिंग टाइप नहीं होता है, तो इसका आंसर निकलेगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 इज प्राइम मोवर फेलर ऑफ एन अल्टरनेटर कनेक्टेड टू अ ग्रिड कैन बी डिटेक्ट बाय यूजिंग डेस्टेज रिले, प्राइम मोवर फेलर को हम डिटेक्ट कर सकते हैं बाय रिवर्स पावर रिले द्वारा, इसका आंसर निकलेगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, द ईयर बिटवीन द टू ऑपोजिट चार्ज क्लाउड इज ऑलवेज अंडर इलेक्ट्रोस्टेटिक, जो चार्ज दो विपरीत क्लाउड्स के बीच में वो रहता है अंडर इलेक्ट्रोस्टेटिक स्ट्रेस से, इसका आंसर निकलेगा सी। क्वेश्चन नंबर 15, टू डैम्प्ड वाइब्रेशन इन ओवरहेड लाइन द फॉलोइंग मेजर्स आर टेकन, जो ओवरहेड लाइन में वाइब्रेशन जो डैम्प वाइब्रेशन है उसको कम करने के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं। फर्स्ट है लाइट एंकर क्लैंप ऑफ लो इनर्शिया इज यूज, इसको भी यूज करते हैं। नेक्स्ट है रेनफोर्समेंट और आर्मंड रोड आर यूज। नेक्स्ट है डैम्पर आर यूज टू एब्जॉर्ब द वाइब्रेशंस, तो इसका आंसर निकलेगा ए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट है 16 न्यूमेरिकल है जिसको हमने सॉल्व किया है न्यूमेरिकल की वीडियो में, बाकी आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। इसका जो राइट आंसर निकला वो निकला सी, बाकी न्यूमेरिकल की वीडियो में इसको सॉल्व करा है डिटेल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, कोरोना लॉस इज लेस व्हेन द शेप ऑफ द कंडक्टर इज, कोरोना लॉस सबसे कम होगा जब कंडक्टर की शेप होगी सर्कुलर, इसका आंसर निकलेगा ए। क्वेश्चन नंबर 18, द टॉलरेंस वैल्यू ऑफ स्टेप वोल्टेज इज गिवन बाय द इक्वेशन ऑफ, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 19, द ईयरली कंजप्शन ऑफ एन अंडरटेकिंग इज 25×10^6 kWh विद द मैक्सिमम डिमांड ऑफ 1600 kW एंड एनुअल कॉस्ट ऑफ एनर्जी इन रुपीज, इफ एनर्जी इज चार्ज एट अ 70 rupees पर kW मैक्सिमम डिमांड प्लस 2 paisa पर kWh। वैसे इसका जो राइट आंसर निकलेगा वो है सी, बाकी इसका जो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन है ये इसका सॉल्यूशन है, बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी न्यूमेरिकल की वीडियो में हमने इसको डिटेल में सॉल्व करा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर कंडक्टर हैविंग लेंथ ऑफ 2 km एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 32 mm² एंड रेजिस्टिविटी ऑफ, ये दिया है, बाकी जिसका जो राइट आंसर है ए, इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, बाकी आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसका जो राइट आंसर निकला वो है ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 इज द मटेरियल हैविंग जीरो टेम्परेचर कोफिशियर रेजिस्टेंस, तो जीरो टेम्परेचर कोफिशियन रेजिस्टेंस होता है मैग्नीन का, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22,
इसमें निकालनी है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ईयर की, नाइट्रोजन की और हाइड्रोजन की। ईयर की रहती है 1, नाइट्रोजन की रहती है 1.01 और हाइड्रोजन की रहती है 0.01। इसका आंसर निकलेगा ए। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो निकल भी है, कोबाल्ट भी है, जर्मेनियम भी है। इसका आंसर निकलेगा डी, सिल्वर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ दिस करेक्टली रेफर्स टू PLC एंड कंप्यूटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, अनलाइक कंप्यूटर PLC आर डिजाइन फॉर इंडस्ट्री एनवायरमेंटल एंड कैन विदस्टैंड वाइब्रेशन शॉक एंड हाई टेम्परेचर एंड इलेक्ट्रिक नॉइस। क्वेश्चन नंबर 25, द वेरियस इनपुट डिवाइस ऑफ अ PLC आर, PLC के लिए कौन कौन से इनपुट डिवाइस है। फर्स्ट पुश बटन, लिमिट स्विच, सिलेक्टर स्विच, प्रोक्सीमिटी स्विच एंड टाइम कॉन्टैक्ट एक्सेट्रा। इसका आंसर निकलेगा ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, इन अ थ्री फेज फोर वायर सिस्टम जनरली द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ न्यूट्रल वायर। इसमें एरिया निकालना है न्यूट्रल वायर का। जो न्यूट्रल वायर का एरिया होता है वो होता है जितनी फेज होती है फेज की एरिया से आधा। इसका आंसर निकलेगा सी, हाफ ऑफ द फेज वायर। क्वेश्चन नंबर 27, ये एक न्यूमेरिकल है जिसको हमने किया है न्यूमेरिकल की वीडियो में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, बाकी इसका सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका सॉल्यूशन है, इसका आंसर निकला 21.21 साइन 314 टी। क्वेश्चन नंबर 28 इज फॉर अर्थिंग इलेक्ट्रिक मोटर अप टू 10 HP द साइज ऑफ कॉपर एंड GI अर्थ इलेक्ट्रोड आर यूज। जो अर्थिंग के लिए हम कॉपर का यूज करते हैं तो उसकी जो थिकनेस होती है वो होती है 3.18 mm और GI के लिए होती है 6.35 mm। तो इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 29, द फॉरवर्ड वोल्टेज डेस्टेज एट विच करंट थ्रू द डायोड और PN जंक्शन स्टार्ट राइजिंग एब्रप्टली इज नाउ एज नी वोल्टेज। इसमें फॉरवर्ड वोल्टेज निकालनी है PN डायोड और PN जंक्शन जो होते हैं उसमें या नी वोल्टेज, जिसके बाद डायोड जो है एक कंडक्टर का काम करता है। देखो नी वोल्टेज को और हम जानते हैं, नी वोल्टेज को हम कह सकते हैं, नी वोल्टेज को कट इन वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज, थ्री शूट वोल्टेज, ऑफसेट वोल्टेज या फ्लिकरिंग वोल्टेज, ये सभी को हम एक ही नाम से जानते हैं। तो इसका मतलब होता है जो मिनिमम वोल्टेज एट विच डायोड स्टार्ट कंडक्टिंग। तो इसमें जो सिलिकॉन की मिनिमम वोल्टेज होती है या थ्री शूट या नी वोल्टेज बोल सकते हैं, सिलिकॉन की रहती है 0.7 वोल्ट, जर्मेनियम की रहती है 0.3 वोल्ट एंड गैलियम ऑक्साइड की रहती है 1.2 वोल्ट। तो इसका जो राइट आंसर निकलेगा वो है ए। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, ये भी न्यूमेरिकल है जिसको हमने सॉल्व किया है न्यूमेरिकल की वीडियो में। इसमें दिया है इन अ कॉमन बेस ट्रांजिस्टर सर्किट द कलेक्टर करंट इज 0.96 mA एंड द बेस करंट इज 40 μA, द वैल्यू ऑफ अल्फा निकालना है। तो इसका जो राइट आंसर निकला वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 इज द रिलेशन बिटवीन गामा एंड अल्फा इज गिवन बाय। तो जो इसका राइट आंसर है वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 इज इन अ सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर इफ VM इज पीक वोल्टेज बिटवीन सेंटर टेप एंड वन एंड ऑफ द सेकेंडरी द मैक्सिमम वोल्टेज कमिंग अक्रॉस द रिवर्स बायस डायोड इज। तो रिवर्स बायस में मैक्सिमम वोल्टेज होगी 2V। इसका आंसर निकलेगा 2VM। क्वेश्चन नंबर 33, एन इलेक्ट्रिकल लैम्प ऑफ 60 वॉट विल कंज्यूम 1.8 यूनिट ऑफ एनर्जी। 60 वॉट का बल्ब 1.8 यूनिट में जो यूनिट कंज्यूम करेगा वो कितने घंटे में करेगा। तो इसका जो जैसे सॉल्यूशन होता, हमने 1.8 यूनिट को
यूनिट को गुना करना है 1000 से और वाटेज को डिवाइड करना है यानी 66 को डिवाइड करना है। इसके बाद जो इसका आंसर निकलेगा वो तो इसका आंसर निकला ए 30 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 34, अ फॉरवर्ड वोल्टेज कैन बी अप्लाइड टू एन SCR आफ्टर इट्स। फॉरवर्ड वोल्टेज SCR में कब प्रोवाइड की जाती है, जब एनोड करंट रिड्यूस टू जीरो हो। इसका आंसर है ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, द रिपर फैक्टर ऑफ हाफ वेव सेंटर टेप फुल वेव एंड ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर आर। तो पहले इसको चार्ट को देख लेते हैं। हमारे पास पूछा है रिपल फैक्टर। तो रिपल फैक्टर हाफ वेव में होता है 1.21, फुल वेव सेंटर टेप में होता है 0.482 और ब्रिज में होता है 0.482। बाकी इस चार्ट को भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर होगा वो है सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर हैव हाउ मेनी इंटरप्ट्स आर मार्केबल। 8085 माइक्रो प्रोसेसर में कितने इंटरप्ट्स मार्केबल होते हैं, वो होते हैं 4। इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 37, द पावर फेलर अलार्म मस्ट बी कनेक्टेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट ऑफ 8085 में निम्न में से किस इनपुट से पावर फेलर अलार्म को संयोजित किया जाना चाहिए, तो वो जोड़ना चाहिए ट्रैप से। आंसर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, विदाउट अ डीसी सोर्स अ क्लैंपर सर्किट एक्ट्स लाइक अ। विदाउट क्लैंपर सर्किट के जो डीसी सोर्स है वो एक्ट करता है एज अ रेक्टिफायर। इसका आंसर निकलेगा सी। तो डीसी सोर्स काम करेगा एज अ रेक्टिफायर। क्वेश्चन नंबर 39, द एमिटर रेजिस्टर आर ई इज बाईपास बाय अ कैपेसिटर इन ऑर्डर टू। तो इसका जो आंसर है वो है ए, स्टेबलाइज द क्यू पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 40, एन आर सी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर विल नॉट प्रोड्यूस एनी ऑसिलेशन अनटिल एंड अनलेस द वोल्टेज गेन ऑफ इट्स इंटरनल एम्पलीफायर इज। एक आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में ऑसिलेशन प्रोड्यूस नहीं होगा जब तक इंटरनल एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन मोर देन 29 ना हो। तो इसका आंसर है डी। 41 इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉज फेज शिफ्ट थ्रू एन ऑपरेंशियल एम्पलीफायर। जो गिवन दिया है इसमें से कौन सा ऑपरेंशियल एम्पलीफायर में फेज शिफ्ट उत्पन्न करता है, तो इसका राइट आंसर है सी, गेन रोल ऑफ द इंटरनल रजिस्टर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 इज, द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर BAD। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। बाकी इसको सॉल्व किया हमने न्यूमेरिकल की वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 43, द नेट रियलाइजेशन इज इक्वल टू। वो इक्वल रहता है एंड और ऑल रियलाइजेशन के। इसका आंसर है बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लिप फ्लॉप यूज एज अ लैच। लैच की तरह कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज होता है, वो होता है डी, फ्लिप फ्लॉप। इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 45, द रेस अराउंड कंडीशन ऑकर व्हेन। रेस अराउंड कंडीशन तब उत्पन्न होती है जब जे इक्वल्स टू 1 और के इक्वल्स टू 1 हो। इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 46, इन अ थ्री फेज फुल कन्वर्टर द 6 SCR आर फायर एट एन इंटरवल ऑफ। किसी फेज फुली कन्वर्टर में 6 SCR दागे जाते हैं कितने अंतराल में, कितने डिग्री पे। इसका बी 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, आ चोपा हूज वोल्टेज एज वेल एज करंट रिमेन नेगेटिव इज नाउ एज। वह चोपर जिसका वोल्टेज और करंट नेगेटिव रहता है उसको हम बोलते हैं टाइप बी। इसका आंसर है सी। नेक्स्ट रिपीट क्वेश्चन है, द स्नोबर सर्किट इज यूज इन थायरस्टोन सर्किट फॉर DVDT प्रोटेक्शन। इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 49, द एडवांटेज ऑफ यूजिंग फ्री व्हीलिंग डायोड विद
ब्रिज टाइप एसीडीसी कन्वर्टर इज, एसीडीसी कन्वर्टर में फ्री व्हीलिंग डायोड का एडवांटेज होती है, ये इम्प्रूव करता है पावर फैक्टर को। इसका आंसर है सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। यूजेटी इज नाउ एज, यूजेटी होता है वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट है इन अ बीजेटी, बीजेटी में बीटा इक्वल्स टू होता है अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा, इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। वट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द ब्लूएन एक्सप्रेशन, इसका जो राइट आंसर है वो ए एक्स वाई। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जिसको हमने सॉल्व कर रखा है। अ 0 to 3 वोल्ट वोल्टेज हैज एन एरर ऑफ ±2% ऑफ द फुल स्केल डिफ्लेक्शन, वट वुड बी द रेंज ऑफ द रीडिंग इफ ट्रू वोल्टेज इज 30 वोल्ट, तो इसका जो राइट आंसर निकला सॉल्व के बाद वो है ए। बाकी आप न्यूमेरिकल की वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। फ्रीक्वेंसी कैन मेजर बाय यूजिंग, इसका आंसर है सी बेन ब्रिज। नेक्स्ट ब्लू एंड अलजेब्रा दिया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। और 0 to 100 वोल्ट मीटर हैज गारंटीड एक्यूरेसी ऑफ 1% एट फुल स्केल रीडिंग, बट विल बी द एरर इफ इट्स रीड 50 वोल्ट, तो इसका राइट वो है 2%, इसको भी हमने सॉल्व कर रखा। 57। द बॉडी रिफ्लेक्टिंग एंटायर रेडिएशन इंसिडिंग ऑन इट्स कॉल्ड द, तो जो रिफ्लेक्ट करता है वो करता है वाइट बॉडी, इसका आंसर है ए। 58। इन डेस्टेस वेल्डिंग इट इज एसेंशियली दैट द सरफेस टू बी वेल्ड आर क्लीन डस्ट एंड डर्ट फ्री, तो इसमें सिम वेल्डिंग में जब हम सिम वेल्डिंग यूज करते हैं तो जो जिस सरफेस में वेल्डिंग करनी है उस सरफेस में ना डस्ट होनी चाहिए और ना उसमें रॉ पार्टिकल्स होने चाहिए, तो इसका आंसर है सी सिम वेल्डिंग। 59। द इल्यूमिनेशन एट द सरफेस ड्यू टू सोर्स ऑफ लाइट प्लेस एट डिस्टेंस डी फ्रॉम द सरफेस वेरी एज, स्तर से डी दूरी पर रखे गए किसी प्रकाश स्रोत के कारण स्तर पर इल्यूमिनेशन निम्न अनुसार परिवर्तित होता है, वो होता है 1/d² आंसर है ए। जैसे जैसे हम लाइटिंग सोर्स को दूर लेते जाएंगे तो जो इल्यूमिनेशन है वो उतनी ही d² के अकॉर्डिंग कम होती रहेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। और 0 watt लैम्प कंज्यूम पावर, जो 0 watt का बल्ब होता है वो पावर कंज्यूम करता है 5 to 10 watt, इसका आंसर है बी 5 से 10 watt तक कंज्यूम करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। अ 4-pole जनरेटर विद 16 कॉयल हैज 2-layer लैप बाइंडिंग, द पोल पिच इज, सबसे पहले हमने इसमें निकालना नंबर ऑफ कंडक्टर, तो नंबर ऑफ कंडक्टर हमारा निकलेगा क्योंकि ये 2-layer है और 16 कॉयल है, तो 16 × 2 ये निकला 32, और इसके बाद जो पोल है वो है 4-pole, तो पोल पिच का फॉर्मूला रहता है नंबर ऑफ कंडक्टर अपॉन नंबर ऑफ पोल, तो नंबर ऑफ पोल है 4। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर निकला 8। तो इसी के साथ आज हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 62 से लेकर 120 तक के सारे क्वेश्चंस। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।